डिजाइन योर सस्टेनेबल गार्डन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में कि हम एक सस्टेनेबल गार्डन किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, लेकिन उससे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मुराद फार्मिंग या एग्रीकल्चर का वो मेथड जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम से कम करें, वेस्ट को मिनिमाइज करें, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम से कम हो, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें हम, यानी कि नेचुरल हैबिटेट जो है उसको डैमेज ना करें या उसमें इम्बैलेंस ना लेके आए। ये तो हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब हम मूव करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि ये है कि हमने एक सस्टेनेबल गार्डन जो है वो डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए चंद स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले ये कि हमें उस गार्डन में वो प्लास्टिक पॉट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे प्लांट्स के लिए जो रीयूज हो सकते हैं, यानी वो पॉट्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन, पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, कंट्रोल वाटरिंग करें प्लांट्स को, यानी जिस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये ड्राई फील हो रहे हैं, उसकी मिट्टी या उसे पानी की ज़रूरत है प्लांट्स या ट्रीज़ को, तो वहाँ पे उस वक्त आप उसको पानी दें। इसके अलावा जो रन ऑफ है पानी का उसको कंट्रोल करें, लो ग्रेड स्प्रे जो है वहाँ पर यूज़ करें ताकि इसका लॉस पानी का कम से कम हो सके। इसके अलावा प्लांट की जो सिलेक्शन है उस तरह करें कि वो वाले प्लांट्स जो आपके एरिया में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आपको वो पता होने चाहिए, वो इस गार्डन में लगाएं। जितना वेस्ट मटेरियल है उसको कंट्रोल करें, यानी कि वो वाले पॉट्स, क्ले या प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो रिसाइकल या रीयूज़ हो सकती हैं, ताकि वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उस गार्डन में कम से कम हो। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करें, यानी कि वो वाली चीज़ें जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं ताकि वो सॉइल में एज न्यूट्रिएंट्स आप इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा गार्डन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऐसे ट्रीज़ लगाए जाएं ताकि वो थोड़े लंबे हों और वो शेड और ठंडक प्रोवाइड करें घर को। इसके अलावा अट्रैक्टिव प्लांट्स लगाए जाएँ, ऐसी यानी कि प्लांटेशन की जाए जिसमें फूलदार और फलदार पौधे शामिल हों, ताकि जो शहद की मक्खी है वो अट्रैक्ट हो इस तरफ और बटरफ्लाइज जो हैं वो इस गार्डन की तरफ अट्रैक्ट हों, ताकि वो वहाँ पर पोलिनेशन का काम करें और न्यू जो अट्रैक्शन है या वो आपके लिए खूबसूरती जो है उसका भी बायस बने। इस तरह कुछ स्टेप्स हैं जिनको लेके हम सस्टेनेबल गार्डन अपने घर में बना सकते हैं। इन स्टेप्स को जब भी कोई आपने बनाना हो या नया कंस्ट्रक्ट करना हो गार्डन अपने घरों में, तो इन स्टेप्स को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, ताकि वो इन्वायरमेंट जो वहाँ उस गार्डन से प्रोड्यूस हो वो आपके घर के लिए फ़ायदेमंद हो, इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि वो उसको डिस्टर्ब करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अल्लाह हाफिज़।